नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन पे दिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। और कुछ भी सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। आज मैं आपको गूगल क्रोम के एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में बताऊँगा जो काफ़ी उपयोगी है और बहुत ही यूज़फुल है। जनरली क्या होता है, जब हम कोई इंटरनेट पे कुछ कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल में जाके हम सर्च करते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग हमें पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसे गूगल में जाके सर्च करते हैं उस वर्ड का मीनिंग, और इसमें काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में बताऊँगा जिसकी मदद से आप क्विक एंड फास्ट आप उस एक्सटेंशन का के माध्यम से उस वर्ड का मीनिंग आप बहुत ही जल्दी आप ढूंढ पाएंगे, और वाकई में ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं कैसे उपयोगी है और कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल क्रोम को आप ओपन करेंगे, करने के बाद आपको करना है गूगल में सर्च करना है, वहाँ पे लिख दें आप क्रोम वेब स्टोर। लिखने के बाद देख सकते हैं यहाँ क्रोम वेब स्टोर आ जाएगा। यहाँ देखिए एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही आप क्रोम गूगल में क्रोम वेब स्टोर लिख कर सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन क्रोम गूगल आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करें, करने के बाद आप क्रोम वेब स्टोर में जाएंगे। देख सकते हैं क्रोम वेब स्टोर में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको लिखना है गूगल डिक्शनरी। उस एक्सटेंशन का नेम नाम है गूगल डिक्शनरी, लिख कर लिखिए। और उसके बाद सर्च करने के बाद यहाँ देखें अलग अलग एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा। जैसे आप लिख कर टाइप करेंगे गूगल डिक्शनरी बाई गूगल, लिखा हुआ एक्सटेंशन है ये। यहाँ पे देखिए फ्लैश कार्ड ऑफ गूगल डिक्शनरी ट्रांसलेट, बहुत सारे एक्सटेंशन, जो बहुत सारे उपयोगी एक्सटेंशन हैं, लेकिन गूगल डिक्शनरी एक्सटेंशन जो है बहुत ही उपयोगी है। ये ऑलरेडी मैंने अपने इसे वेब मैंने अपने गूगल क्रोम के वेब ब्राउज़र में मैंने इंस्टॉल कर दिया है। जैसे इस तरह का यहाँ पे अभी ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए इसे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इस तरह का बटन आपको शो करेगा ऐड टू क्रोम लिखा हुआ, देखिए जो जो यहाँ पे ऑलरेडी अगर इसमें क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा मेरे क्रोम में, गूगल क्रोम के अंदर। तो ऑलरेडी ये गूगल डिक्शनरी ऑलरेडी इंस्टॉल है। हो जाने के बाद सपोज़ मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ, जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अभी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब सपोज़ ये वर्ड जो इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं या कुछ नए ऐसे वर्ड हैं जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए सपोज़ ये वर्ड है ग्लोबल, अगर इसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम है तो सिंपल आप इसे इस तरह सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने गूगल क्रोम के वेब ब्राउज़र के राइट हैंड साइड में देखेंगे वो एक्सटेंशन का गूगल डिक्शनरी का एक्सटेंशन, ये देखिए लिखा हुआ है गूगल डिक्शनरी लिखा हुआ है। ये जो रेड बटन रेड आपका आइकन दिखाई दे रहा है ये गूगल डिक्शनरी का ये एक्सटेंशन का सिम्बॉल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल ग्लोबल लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने ग्लोबल को सिलेक्ट किया हुआ था। ग्लोबल आ जाने के बाद यहाँ ऑलरेडी शो कर देगा, देखिए ग्लोबल लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे एडजेक्टिव ग्लोबल लिखा है, उसका मीनिंग दिया है यहाँ पे, देखिए ओवरऑल जनरल यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड देखिए इंटरनेशनल यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग। आप जिस वर्ड को भी ढूंढना है सिंपल है, आप उस वर्ड को सिलेक्ट करना है और आपको एक्सटेंशन जो आपके गूगल क्रोम एक्सटेंशन के राइट हैंड साइड में वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा, आप उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उस वर्ड का मीनिंग आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे है, जैसे यहाँ पे आपको जैसे एक वर्ड ढूंढता हूँ मैं इंक्रीज़ जो वर्ड है, मैंने सिर्फ सिंपल इसको सिलेक्ट किया। इस तरह आप इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, जो जिस वर्ड का आपको मीनिंग ढूंढना है सिलेक्ट करना है, और राइट हैंड साइड में आपके अपने वेब ब्राउज़र के राइट हैंड साइड में जो भी एक्सटेंशन आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है जैसे गूगल डिक्शनरी मैंने इंस्टॉल किया है, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के साथ ही वो वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो गूगल डिक्शनरी के ये सर्च बॉक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे देखें यहाँ पे उसका मीनिंग भी दिया इंक्रीज़, यहाँ पे देखिए ग्रो बिट बिगर ग्रेट लार्ज इन लार्ज, यहाँ पे वो वर्ड आ जाएगा बिकम और मेक ग्रेटर इन साइज अमाउंट इंटेंसिटी और डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ, इसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही काम का ये एक्सटेंशन है। तो याद रखें आपको सिर्फ क्रोम के वेब स्टोर में जाना है और वहाँ टाइप करना है गूगल डिक्शनरी एक्सटेंशन। आपको यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे गूगल डिक्शनरी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इसे अपने क्रोम में ऐड कर देना है
और उसके बाद जो भी वर्ड, जो भी न्यू वर्ड, सपोज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फ्रीडम फाइटर के ऊपर, यहाँ पे जो भी वर्ड, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आ गया डेडिकेटेड, अब इस वर्ड का हम मुझे मीनिंग नहीं पता, सिंपल आप उसे सिलेक्ट कर दें उस वर्ड को, और अपने राइट हैंड साइड, अपने गूगल क्रोम के राइट हैंड साइड के में जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं ये एक रेड रंग का आपको गूगल डिक्शनरी का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते के साथ ऑटोमेटिकली वो वर्ड उस सर्च बॉक्स में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड आ गया, क्योंकि मैंने डेडिकेटेड को सिलेक्ट किया हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हो वर्ड का मीनिंग दिया हुआ, देखिए यहाँ पे आ गया, ये देख सकते हैं हैविंग सिंगल माइंडेड लॉयलिटी इंटीग्रिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो इस तरह हम लोग किसी भी वर्ड का मीनिंग आज ऑटोमेटिकली ढूंढ सकते हैं, मतलब क्विक एंड फास्ट, मतलब आपको गूगल में जाके फिर से दोबारा सर्च नहीं करना पड़ेगा या डिक्शनरी का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आपको आपको क्रोम वेब ब्राउज़र में जाके, क्रोम के वेब स्टोर में जाएँ और वहाँ पर गूगल डिक्शनरी जो एक्सटेंसन है उसे सर्च करेंगे और आप उसे ऐड कर देना अपने गूगल क्रोम के अंदर बस, और जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे आप उसे सिलेक्ट करें और ऑटोमेटिकली उस एक्सटेंशन जो डिक्शनरी, गूगल डिक्शनरी जो एक्सटेंशन है, ऑटोमेटिकली आपको उस वर्ड का मीनिंग आपको ढूंढ कर वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। सिंपल है, जैसे यहाँ मदरलैंड लिखा हुआ ये वर्ड है, मान लीजिए जैसे मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम है, तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट करें। करने के बाद आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो गूगल डिक्शनरी का एक्सटेंशन का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मदरलैंड दिया हुआ है, मदरलैंड वंस नेटिव कंट्री लिखा हुआ है, तो ये एक्सटेंशन जो है आपको क्रोम वेब स्टोर में मिल जाएगा गूगल डिक्शनरी नाम से। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा, तो मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।